देऊळगाव वही येथील मुस्लिम समाजाच्या वतीने ईदगाहाचे कामाचे नूतनीकरण करण्यात आले. या ईदगाहाचे काम समाजाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्णयाने करण्यात आले. 2019 साली झालेल्या रमजान ईदची नमाज पठण करण्याकरिता आलेल्या लोकांना नमाज पठण करताना या जागेच्या कमतरतेमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागलाय. याच वेळी नमाज पठण झाल्यानंतर सिद्दीक शेठ पहलवान यांनी हा प्रस्ताव मांडला व गावातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी व गावकऱ्यांनी होकार दिला आणि वर्गणीला सुरुवात केली. पण यहाँ नमाज अदा करने के लिए तमाम हजरात जमा हुए, लेकिन ईदगाह जो है गांव की आबादी के अतबार से छोटी कम होने की वजह से तमाम लोगों ने फौरन जो है सलाह मशवरा किया और उसी वक्त जो है गांव के लोगों ने तमाम ने जो है ईदगाह बड़ी करता ईदगाह बड़ी करने के लिए ताकि सब लोग ईदगाह चबूतरे में नमाज पढ़ सकें, इसलिए सब ने वरंगनी गाँव का जो चंदा जमा किया वो तकरीबन 7 लाख रुपये फ़ौरन 10 मिनट के अंदर सब ने अपना अपना नाम लिखा है, किसने 5,000, किसने 21,000, किसने 51,000. ऐसे गांव के अलहमदिल्ला तमाम हजरात ने जो है बड़े अच्छे अंदाज में चंदा लिखा है और अलहमदिल्ला पैसे भी जमा किए. और ईद उल फितर की नमाज़ के बाद दूसरे दिन से जो है यहाँ का तामीरी काम शुरू हुआ. और अलहमदिल्ला यहाँ पर जो काम हुआ उस वक्त जो है सिर्फ पुराना जो चबूतरा था उसी के ऊपर जो है सिर्फ कॉन्क्रीट करना था, लेकिन बाद में मशवरा होता गया, काम बढ़ता गया, जिसकी वजह से अभी जो तकरीबन 10 लाख के ऊपर इसका खर्चा सिर्फ तामीरी खर्चा हो रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आ रहे हैं और पैसों की कमी की वजह से कुछ काम बाकी है, जिसकी वजह से भी ऊपर का बेड कंक्रीट बाकी है. जो 10 लाख रुपए एस्टिमेट था पहले वो सिर्फ फाउंडेशन सामने से बढ़ाई गई 50 फुट और पीछे भी 15 फुट बढ़ाई गई, काफ़ी खर्चा बजट बढ़ चुका है. लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह गाँव के लोगों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से और इत्तेहाद से जो है ईदगाह का काम तामीर काम अंजाम दिया. तर अर्धे ते एक तासात 7 ते 8 लाख रुपये जमा केले. या कामासाठी 10 रुपये पासून ते 25 ते 50 हजार रुपयापर्यंत वर्गणी देण्यात आली. ईदगाहाचे काम ठेकेदार जाहीद हजी साहेब यांना देण्यात आले. हे काम पूर्ण करण्याकरिता हमीद खान सर यांनी कसरत केली आहे. ईदगाहाचे हे काम 1 ते 1.5 महिन्यात करण्यात आले आहे. प्रतिनिधी जुनेद कुरेशी सह आधार न्यूज देऊळगाव. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा.